हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल सिलेबस के बारे में 2024 के। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एसएससी की फुल फॉर्म क्या है। एसएससी की फुल फॉर्म आप सभी को पता होगी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी। ओके फ्रेंड्स, जो एग्ज़ाम का नेम होने वाला है वो होने वाला है सीएचएसएल। ओके, तो इसमें हम इसके सिलेबस के बारे में है ये पूरी फुल इंफॉर्मेशन वीडियो। ओके फ्रेंड्स, तो पहले हम जान लेते हैं जो एग्ज़ाम डेट है टीयर वन की, एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम डेट है टीयर वन जो हमारा कंडक्ट होने वाला है, वो हमारा होगा 1 जुलाई से। ओके फ्रेंड्स, 1 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में। ओके फ्रेंड्स, जो हमारा एग्ज़ाम डेट है वो 1 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में होने वाली है। और जो इसका जो हमारा एग्ज़ाम है उसका मोड आप सभी को पता ही है, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो ऑनलाइन ही होते हैं मोस्टली, ठीक है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। ठीक है, जो हमारा टीयर वन है फ्रेंड्स, टीयर समझ जाना टीयर कि जो इसका टीयर वन है, इसकी जो नेगेटिव मार्किंग होने वाली है वो हमारी होने वाली है 0.5 मार्क्स की। ओके, और जो हमारा टीयर टू है, जो टीयर टू है इसकी जो नेगेटिव मार्किंग होने वाली है वो हमारी होने वाली है 1 मार्क्स की पूरे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जो हमारा टीयर वन है, टीयर वन में हमारा क्या होता है, टीयर वन में हमारा होता है ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, जो हमारे होंगे कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। ठीक है, और टीयर, ये हमारा टीयर वन था, हमारा टीयर वन है और ये हमारा टीयर टू। टीयर टू का जो एग्जाम है उसमें होने वाला है सेम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्लस, ठीक है, स्किल टेस्ट होगा आपका, इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, और टीयर टू में साथ साथ 3 सेक्शंस और शामिल हैं, उसमें हम आगे बात करेंगे वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, तो एसएससी सीएचएसएल सिलेबस फॉर टीयर वन एग्जाम। ओके, ये हमारा क्या है, ये हमारा टीयर वन का है। ओके फ्रेंड्स, टीयर वन में हमारा पहला होगा जनरल इंटेलिजेंस, सेकंड होगा जनरल अवेयरनेस, फिर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फिर है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ओके फ्रेंड्स, तो जनरल इंटेलिजेंस ये हमारा होने वाला है, इसके अंदर हमारे 25 क्वेश्चन होंगे जो हमारे होंगे 50 मार्क्स के। ओके, फिर हमारा सेकंड में भी सेम 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें 25 क्वेश्चन 50। ओके, एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन होंगे जो 50 मार्क्स में होंगे। ठीक है, जो टोटल होने वाला है हमारा, ये टोटल हमारा जो होगा ये हमारा 60 मिनट्स का होगा। ओके फ्रेंड, 60 मिनट का एग्ज़ाम हमारे लिए, 60 मिनट्स से जो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे होंगे उनके लिए 80 मिनट्स है। ओके फ्रेंड्स, उनके लिए 80 मिनट्स है, हमारे लिए 60 मिनट्स। तो पहला हमारा एसएससी सीएचएसएल जनरल इंटेलिजेंस सिलेबस, जिसमें हमारा होगा जनरल इंटेलिजेंस में क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, पेपर फोल्ड मेथड, मैट्रिक्स, वर्ड फॉर्मेटिंग, वेन डायग्राम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल एंड सीरीज। ओके फ्रेंड्स, इसमें हमारा ये सब होने वाला है। नेक्स्ट है हमारा एसएससी सीएचएसएल जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल अवेयरनेस को। ओके फ्रेंड्स, जनरल अवेयरनेस में क्या होगा, स्टैटिक जनरल नॉलेज होगी, साइंस, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट, बुक्स एंड ऑथर, इम्पोर्टेंट स्कीम, पोर्टफोलियोज, पीपल इन द न्यूज़, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, अवार्ड्स एंड ऑनर्स। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सिलेबस, मतलब कि मैथ का। ओके फ्रेंड्स, जिसमें हमारा सिंप्लीफिकेशन, ओके, इंटरेस्ट, एवरेज, परसेंटेज, रेशन एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑन एज, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, नंबर सिस्टम, मेजरेशन, मेनिस्ट्रेशन, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन, टाइम एंड वर्क, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री। ओके फ्रेंड्स, इसमें हमारा ये सब होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सिलेबस के अंदर, ठीक है, सीएचएसएल के। फिर हमारा होगा सीएचएसएल में कॉम्प्रिहेंशन सिलेबस, ठीक है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सिलेबस। ओके फ्रेंड, जिसमें हमारा होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिर क्लोज टेस्ट, स्पेलिंग्स, फ्रेसिस एंड आइटम्स,
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन, एरर स्पॉटिंग, फिल द ब्लैंक्स, पैराजम्बल्स, एक्टिव पैसिव एंड नरेशंस। ओके फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं इसमें, आगे देखते हैं। आगे होने वाला है SSC CHSL सिलेबस एग्ज़ाम, सिलेबस फॉर टीयर टू एग्ज़ाम। ठीक है, टीयर टू के बारे में जान लेते हैं। जो टीयर टू का एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है, उसमें हमारा सेशन वन हुआ वो, उसमें हमें टाइम मिलेगा 2 घंटे 15 मिनट का, अगर 2 आवर्स 15 मिनट्स। उसमें हमारे 3 सेक्शन डिवाइडेड होंगे, ठीक है, और 3 सेक्शन होगा। उसमें सेक्शन जो फर्स्ट होगा उसके अंदर हमारे मॉड्यूल्स होंगे, जैसे मॉड्यूल वन एंड मॉड्यूल टू। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे हमारे इसमें मॉड्यूल वन है मैथमेटिक्स एबिलिटीज का, ठीक है, जो मॉड्यूल वन है इसके अंदर हमारा मॉड्यूल वन होगा, ठीक है, मतलब सेशन वन में मॉड्यूल वन होगा मैथमेटिक एबिलिटीज का, जिसके अंदर हमारा नंबर सिस्टम होगा, अर्थमेटिक होगा। ओके फ्रेंड्स, आगे भी कुछ मैथ्स के होंगे, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंस्ट्रुएशन। ओके फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री एंड स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल टू सेक्शन वन, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, जो हमारा मॉड्यूल सेकंड है सेक्शन फर्स्ट, ठीक है, इसमें हमारा रीजनिंग होगा एंड जनरल इंटेलिजेंस होगी, ठीक है, जिसके अंदर हमारे ये 10 टॉपिक्स आएंगे और ये वाले 10 टॉपिक्स आएंगे, उसमें हमारा ये सब होंगे। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, फिर हमारा मॉड्यूल फर्स्ट ऑफ सेक्शन सेकंड, इसके अंदर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन होगा, ठीक है, जिसके अंदर हमारे वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर और ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ठीक है, ये सब होगा। फिर हम मॉड्यूल सेकंड ऑफ सेक्शन सेकंड, ठीक है, जिसके अंदर हमारे क्या क्या होने वाला है, हमारे ये सारे टॉपिक्स होने वाले हैं, जिसमें हमारे हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, लाइक दिस, ये सब आने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर हमारा मॉड्यूल फर्स्ट ऑफ सेक्शन थर्ड ऑफ पेपर फर्स्ट कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज का होने वाला है, जिसके अंदर हमारा पहले आएगा कंप्यूटर के बेसिक्स, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी। ओके, फिर है बैकअप डिवाइसेस, पोर्ट्स, विंडोज, एक्सप्लोर, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ठीक है, और सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन में हमारा होने वाला है MS Word, MS Excel एंड पावर पॉइंट के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा वर्किंग विद द इंटरनेट एंड ईमेल्स, ठीक है, वर्किंग अगर जो हमारी वर्क होगा इंटरनेट और ईमेल्स पर हमारे, उसमें हमें ये 4 टॉपिक पता होने चाहिए, जैसे हमारा वेब ब्राउजिंग एंड सर्चिंग, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग, ठीक है, मैनेजिंग एंड ईमेल अकाउंट एंड ई बैंकिंग। ओके फ्रेंड्स, ये सब होना चाहिए। और इसमें हमारा एक सेक्शन सेकंड होता है, मतलब सेशन सेकंड होता है, जिसके अंदर हमारे 25 मिनट मिलते हैं, हमें 25 मिनट मिलते हैं स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल के लिए, ठीक है। उसमें हमारे क्या होता है, पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ये तो पार्ट ए होगा, उसके अंदर स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, स्किल टेस्ट होगा जो डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के लिए होगा, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए, ठीक है। और जो हमारा पार्ट भी है ये भी सेम स्किल होगा, पर इसमें बनना चाहिए एक्सपर्ट वाला। ओके, जो एक्सपर्ट होगा, ठीक है। फिर हमारा जो पार्ट सी है, पार्ट सी, उसमें होगा टाइपिंग टेस्ट फॉर LDC एंड JSA वालों के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हमें 25 मिनट्स मिलेंगे करने के लिए, ठीक है। और हमने अपना कंप्यूटर के बारे में जो बात की थी, इसमें हमें टोटल टाइम मिलेगा, इसमें टोटल हमारे सिर्फ 15 ही क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, टोटल 15 ही क्वेश्चन आएंगे, जो हमारे 45 मार्क्स के होंगे। ओके फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं है। फिर हमारा जो सेक्शन सेकंड है, ये दोनों मिला के इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, ठीक है, इन दोनों को मिला के जो टोटल हमारा एग्ज़ाम होगा 1 आवर्स का, ये हो गया हमारा, हमारा 1 आवर्स का हमारा ये हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, 1 आवर्स हमें इसमें मिलेगा, ठीक है। और जो ये हमारा टोटल एग्ज़ाम होगा इंग्लिश वाले का, इसमें जो टोटल मार्क्स होंगे वो हमारे होंगे 180, ठीक है, 180 नंबर का ये वाला होगा। ओके फ्रेंड्स, और 180 नंबर का हमारा ये वाला होगा, ओके, जिसमें हमें 1 घंटा मिलेगा टोटल पूरा,
ओके फ्रेंड्स, इसी तरह ठीक है आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच जो वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक, और जो चैनल पे है चैनल को सब्सक्राइब करें।